दोस्तों नमस्कार, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ये HP का 319 प्रिंटर है। चलिए दोस्तों इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्तों मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें डिस्प्ले पे हमारी E3 एरर आ रही है। तो दोस्तों E3 एरर क्यों आती है? इसका दोस्तों मुख्य कारण होता है कि कार्टेज ठीक से लगा ना होना या फिर इसके कनेक्टिंग पॉइंट में कार्बन इत्यादि का आ जाना। दोस्तों मैंने दिखाने के लिए आपको कार्टेज बाहर निकाल के रखी हुई है ताकि आप देख सकें कि हमारे प्रिंटर में किस तरह से प्रॉब्लम आती है अगर हमारा कनेक्टिंग फीता या रिबन जो हेड को कनेक्ट करता है वो भी अगर ठीक से नहीं लगा होता है या उसमें भी अगर कार्बन आ जाता है तो सेम दोस्तों E3 की प्रॉब्लम आती है और यहाँ पर हमारे दोनों ही कार्टेज ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कार्टेज को अच्छी तरह से, जिसके कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, इनको अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। और क्लीन करने के बाद दोस्तों आप लगा देंगे प्रिंटर में। और दूसरा काम जो आपको करना है कि जो इसका कनेक्टिंग फीता होता है या रिबन होता है उसको आपको निकाल करके फिर से लगा देना होगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपका प्रिंटर वर्क करने लगेगा। और दोस्तों दूसरा काम आपको जो करना है वो प्रिंट हेड का रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए दोस्तों आपको पावर बटन को दबा के होल्ड करना होगा और 4 बार जो है क्रॉस बटन को दबाना होगा और 1 बार कलर कॉपी बटन। इसके बाद दोस्तों आपको पावर बटन को छोड़ देना होगा। इस तरह दोस्तों आपका प्रिंटर रीसेट हो जाएगा और एक एरर पेज जो है प्रिंट करेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने पावर बटन को यहाँ पे दबा दिया है और हम 4 बार क्रॉस का बटन दबाएंगे और 1 बार कॉपी कलर बटन दबा के सभी को छोड़ देंगे। इस तरह दोस्तों प्रिंटर हमारा रीसेट हो जाएगा और इस तरह से एक हमारे सामने प्रिंट पेपर निकलेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप कार्टेज एरर या E3 एरर को ठीक कर सकते हैं और आपकी रेड लाइट ब्लिंकिंग या E3 की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।